देश की सबसे बड़ी दो ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजोन की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में कंपनी ने जबलपुर में इन कंपनियों पर चाकू की ऑनलाइन डिलीवरी करने पर रोक लगा दी थी। कंपनी ने पुलिस की सख्ती के बाद यह निर्णय लिया था। दरअसल जिले में हुई चाकूबाजी की तमाम घटनाओं की विवेचना में चाकू की ऑनलाइन खरीदी के तथ्य सामने आए थे। पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनी से पत्राचार कर पतासाजी की तो अकेले फ्लिपकार्ट से हजारों की संख्या में चाकू खरीदने की बात पता चली। कंपनी ने ज्यादा संख्या में चाइना व अन्य बटनदार चाकू बेचे थे। घर गृहस्थी में उपयोगी चाकू भी कंपनी ने बेचे थे, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने एक्शन लेते हुए सभी ई कॉमर्स कंपनियों को कड़ी चेतावनी देते हुए इन सामानों की बिक्री पर जल्द ही रोक लगाने को कहा है। ये फ्लिपकार्ट कंपनी है या अमेजन कंपनी है जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, हमने जबलपुर में तो वर्तमान में जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसको ये चाकू और इस तरह के आपत्तिजनक सामान अपने स्क्रीन से हटाने के आदेश कर दिए। लिखित में आदेश उनको भेज भी दिया है, संभवतः उन्हें हटा दिया होगा, नहीं हटाएंगे तो हटवा देंगे। और संपूर्ण प्रदेश में अब मैं इस तरह की घातक चीज़ें, चाहे वो नशे से जुड़ी हुई हो, चाहे हथियार से जुड़ी हुई हो, अमेजन कंपनी हो या फ्लिपकार्ट कंपनी हो, इन सबको मैं आग्रह कर रहा हूँ कि ये अपने अपने स्क्रीन से हटा दें, अन्यथा फिर हम अगली दिशा के बारे में सोचेंगे। बहरहाल जबलपुर में लगी रोक के बाद अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी कंपनियों से हथियार और मादक पदार्थों को अपनी स्क्रीन से हटाने को कहा है, और ऐसा नहीं करने पर सरकार इन कंपनियों पर कार्यवाही करने की बात भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज।